नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉस्कोलीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्कोलीन है वो हमें ऑब्टेन होता है कॉलियस फॉस्कोली की रूट से, जो कि आपको बिलोंग करता है, ये प्लांट आपको बिलोंग करता है फैमिली लैपिटे को। ठीक है, ये आपका जो फॉस्कोलीन होता है वो एक लैपडेन डाइटर्पिनॉइड होता है। ये देखिए, ये फॉस्कोलीन का आपका स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपके फॉस्कोलीन है वो दो मेथड से ऑब्टेन किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड जो है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्यूबल्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, प्रॉपरली वॉश करते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद हम उसको ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पल्वराइज्ड करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं मेथनॉल से, और फिर जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसे फिर हम कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद हम उसमें उस कंसंट्रेट में क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं, और उतने ही जितना हमने क्लोरोफॉर्म ऐड किया हो उतना ही अमाउंट में हम फिर वाटर ऐड करके उसको प्रॉपरली शेक करते हैं। उसके बाद हम उसको जब साइड में रखते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म लेयर होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो सेपरेटेड क्लोरोफॉर्म लेयर होता है उसको हम लेते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जो हमें कंसंट्रेटेड क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट मिला होता है उसे उसमें हम एन हेक्सेन जो कि आइस कोल्ड होता है वो ऐड करते हैं, जिससे कि फॉस्कोलीन का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है फिर उसको हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ड्राई करते हैं, तो हमें रेडिश ब्राउन पाउडर मिलता है फॉस्कोलीन का। तो ये था फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो ट्यूबल्स या फिर रूट जो प्लांट का होता है उसे हम ड्राई करते हैं, और उसको इतना ड्राई करते हैं कि उसमें जो है मॉइस्चर जो है 6% से कम हो, 6% से ज्यादा ना प्रेजेंट हो। उसके बाद उसको इथाइल एसीटेट या फिर बेंजीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं 2 या 3 घंटे के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर पे, और फिर ये एक्सट्रैक्शन को हम 2 या 3 बार 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 रिपीट करते हैं, जिससे कि टोटल जो भी कंटेंट है वो हमारा एक्सट्रैक्ट में आ जाए। उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट से हम सॉल्वेंट को डिस्टिल्ड ऑफ कर देते हैं, और जो उसके बाद हमें एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का पेस्ट मिलता है। ठीक है, फिर वो उस पेस्ट में हम पेट्रोलियम इथर ऐड करते हैं और उसको 200 से 250 आरपीएम पे हाफ एन आवर के लिए हम उसको एजिटेट करते हैं। ठीक, उसके बाद जो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है उसे हम फिल्टर्ड कर लेते हैं और उसको चिल पेट्रोलियम इथर से वॉश करते हैं। उस प्रेसिपिटेट को हम ड्राई करते हैं। जो कंसंट्रेटेड रेसिडुअल पेट्रोलियम इथर का होता है उसे भी हम क्या करते हैं कि चिल करते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 आवर्स के लिए, और उसमें जो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है उसे भी हम कलेक्ट करते हैं और ड्राई करते हैं। फिर जो दोनों प्रेसिपिटेट मिले होते हैं उन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं और वो प्रेसिपिटेट हमारा फॉस्कोलीन का होता है। अब देखेंगे हम एस्टिमेशन। तो बेसिकली फॉस्कोलीन का एस्टिमेशन टीएलसी या फिर एचपीटीएलसी के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें जो मोबाइल फेज होता है वो आपका चोलीन इज टू इथाइल एसीटेट 8.5:1.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो में होता है। स्टेशनरी फेज के फॉर्म में हम सिलिका जेल F254 यूज करते हैं, और विजुअलाइजिंग एजेंट्स के लिए 5% वैलिनिल इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर 10% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वाटर में। तो बेसिकली ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं, उस पर सिलिका जल लेयर हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम उस पर जो स्पॉट है, जो स्ट्रैक्ट है, उसका हम स्पॉट लगा देते हैं। ये सिलिका प्लेट है तो उस पर हम स्पॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको हम डिप करते हैं मोबाइल फेज में, जो कि टोलिन इज टू इथाइल एसिटेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है थोड़ी देर के लिए जब हम छोड़ते हैं और फिर उसमें से इस प्लेट को हम निकाल के फिर उस पर हम 5% वैलिनिन इन ग्लेशियल एसिटिक या फिर 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर जो है उसको स्प्रे करते हैं, तो हमारा स्पॉट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। अब है यूटिलाइजेशन। तो फॉस्कोलीन जो है वो आपको एज अ एंटी डिप्रेसेंट यूज होता है, इन सेंस कि डिप्रेशन जिस पेशेंट्स को हो उनके केस में यूज होता है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसलिए वैसो डायलेटर के फॉर्म में एक्टिव होता है। ये ओबेसिटी के अगेंस्ट एक्ट करता है, मतलब जो पर्सन जो होते हैं जो ओबेस्ट होते हैं उनको ये दिया जा सकता है। ग्लोकोमा जो कि आपके आईज में होता है उस केस में ये काफी यूजफुल है, और
उसके साथ ही ये एंटी एस्थमेटिक फॉर्म में भी यूज होता है। तो ये था अबाउट आपका फॉस्कोलिन के बारे में, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन कैसे करते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।